नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जीके ट्रिक में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का फुल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 प्रश्न है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6 है। इसके पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। काफ़ी बच्चों को पसंद भी आया है ये आपका जीएस का टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर 50 प्रश्न जरूर होते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया जाता है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की समस्या ना होए। और एक क्वेश्चन से लगभग आपके 5 प्रश्न आपके देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये आधारित है आपके ऑप्शन राइट आपके सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर। ठीक है ना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आपका ये सिद्धांत पर आधारित है। अगर बात करें कि भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद आपका 40 है, अनुच्छेद 40 में ग्राम सभा के गठन करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। एक पॉइंट आपका यहाँ से और भी महत्वपूर्ण बनता है कि 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहां से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां पर कह रहा है मन स्मृति है। मन स्मृति क्या है? तो मन स्मृति आपकी कह सकते हैं कानून की पुस्तक है। ऑप्शन राइट आपका बी, मन स्मृति कानून की पुस्तक है। ठीक है ना, और अगर बात करें कि मन को भारत का प्रथम विधिवेत्ता माना जाता है। मन जो थे, मनु पुष्यमित्र सुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कर्नाटक है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगर बात करें कि आपका जो कॉफी होती है वो सबसे अधिक कहाँ पर की जाती है और आपका निर्यात भी होता है, तो विश्व में ब्राजील जो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन और आपका निर्यात करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ की फसल, और खरीफ की फसल आपकी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, चावल। अब बात आती है कि खरीफ है क्या, तो जो आपके भारत में मौसम है, मानसून है, उनके अनुसार आपकी 3 प्रकार की फसलें होती हैं। एक होती है आपकी खरीफ की फसल, फिर होती है रबी की फसल, तीसरी होती है जायद की फसल। जो खरीफ की फसल होती है वो आपके बरसात के सीजन में, या हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जून जुलाई में बो जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बो जाती है और आपके कह सकते हैं कि मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। जो जायद की फसल होती है वो आपकी मार्च अप्रैल में बोई जाती है और आपके मई जून में काट ली जाती है। तो इसके अंतर्गत आपकी जो बोई जाती है वो चावल बोया जाता है, जो आपके मानसून के अनुसार, अर्थात ऑप्शन राइट आपका खरीफ में चावल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग जाना जाता है। जो आपका उत्तरी भाग जाना जाता है किस भाग से, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जैसे ये प्यारा भारत है, और यहाँ पर पूछा है कि पश्चिमी तट, अर्थात पश्चिमी तट आपका ये है इस साइड का, इसका उत्तरी भाग, और उत्तरी भाग जो आपका होता है ये वाला है, जो कि आपका ये कोंकण तट होता है। कौन होता है? कोंकण तट। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका 5 का हो जाएगा डी, कोंकण तट होता है। याद रखिएगा, कोंकण तट होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आती हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि झाड़ी का एक उदाहरण है, अर्थात यहाँ पर आपकी 4 ऑप्शन है, इनमें जो झाड़ी कही जाती है वो आपको किसको कही जाती है? तो झाड़ी का एक उदाहरण आपका गुलाब है। याद रखिए, जो गुलाब का पौधा होता है वो आपका झाड़ी का उदाहरण होता है। ठीक है, झाड़ी का उदाहरण होता है, क्योंकि गुलाब आपका कटीली झाड़ी और पौधों का आपका उदाहरण होता है। गुलाब को रोपने में इसकी तने या कह सकते हैं डालियों का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा कि गुलाब जो लगाते हैं वो कलम करके या उनकी तने को काट कर लगाया जाता है। नेक्स्ट कर आपसे, इससे ट्रिक शब्द का संबंध है, अर्थात ट्रिक शब्द का जो संबंध है वो आपके किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्रिज। ठीक है ना, ब्रिज से ट्रिक शब्द का संबंध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना होगा कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। ठीक है, आता है इसलिए हम यहाँ पर कमेंट कर दिए हैं आप लोगों को, देखते हैं कि सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अकबर के शासन में महाभारत का पारसियन भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके रज्जनामा से। ठीक है, किस नाम से? आपके रज्जनामा से जाना जाता है आपका, जो कह सकते हैं कि महाभारत का जो अनुवाद हुआ था आपके पर्शियन भाषा में हुआ था। ठीक है ना, और पर्शियन मतलब आपका फारसी भाषा होता है। ठीक है ना, और यहाँ पर देखा जाए कि महाभारत आपकी विश्व का सबसे बड़ा आपका महाकाव्य है। ठीक है, जिसमें से आपके 1,00,000 से ज़्यादा आपके श्लोक हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग जो कहा जाता है वो आपको किसके जाता है? यहाँ पर आपके जो दिए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से ऑप्शन आपका जो सी है, ताम्रपाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, ताम्रपाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मौर्यों के बाद दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था? मौर्यों के बाद तो मौर्यों के बाद जो आया था वो आपका था ऑप्शन राइट आपका सी, सातवाहन था। ठीक है ना, कौन था? मौर्यों के बाद आपके दक्कन एवं मध्य भारत में सबसे प्रसिद्ध राजवंश आपका सातवाहन था। सातवाहन की जो स्थापना हुई थी वो 60 ईस्वी पूर्व में सिमुक द्वारा किया गया था। ठीक है, सिमुक द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो कह सकते हैं कि आपकी या आपकी पढ़ी नहीं है, अर्थात ये कह सकते हैं डी नंबर आपका उद्वाच योग नहीं थी। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, या कह सकते हैं कि आपकी सिंधु घाटी की जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। ठीक है, कैसी थी? भावचित्रात्मक थी, ये हम लोग इसमें कह सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का प्राचीनतम स्थान था? तो शिक्षा का जो प्राचीनतम स्थान था वो आपका कौन था? तो ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, आपका तक्षशिला। ठीक है, कौन? आपका तक्षशिला, जो कि आपका विश्व का भी आपका प्राचीनतम स्थान आपका तक्षशिला था। ठीक है, और तक्षशिला से जीवक, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे आपकी व्यक्तियों ने यहाँ पर शिक्षा आपकी प्रदान किया है। ठीक है, शिक्षा आपकी प्राप्त किया है। और वहीं पर अगर बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपकी स्थापना कुमार गुप्त ने 436 ईस्वी में किया था। और अगर बात करें विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना, तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर विश्व का सबसे पुराना आपका जो कि सबसे है वो आपका तक्षशिला है, जो आपके पाकिस्तान में वर्तमान में है। निष्कर आपसे, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका कौन हो जाएगा? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, और पॉइंट याद रखना, ये आपका क्वेश्चन परिवर्तित होता रहता है, कभी आपका महाराष्ट्र आगे होता है, कभी आपका केरल होता है। तो आपका सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र नहीं दिया गया है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 14 का, ये हो जाएगा केरल। ठीक है ना, केरल आपके मसालों का भी सबसे बड़ा आपका उत्पादक है, साथ में नारियल रबड़ में भी केरल आपका प्रथम स्थान पर रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि राज्यों को सहायता अनुदान राजस्व अनुशंसित होता है, तो राज्यों को जो सहायता अनुदान आपका होता है वो आपके किससे होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके वित्त आयोग द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा? आपके वित्त आयोग द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान आपका राजस्व अनुशासित होता है। निष्कर्ष आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस मामले को उच्चतम न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है? तो आपके सुप्रीम कोर्ट पर कौन सा आपका ऐसा केस है जिसे डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर दाखिल नहीं कर सकते हैं? यह आपका जो केस है वो आपके यहाँ पर दिखते हैं, आपके 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन में राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत होने से। ठीक है ना, ये मामला डायरेक्ट आपका नहीं जा सकता है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी कृत रिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, आपके किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में अगर ऐसा होता है तो रिट आपकी कौन सी होती है? ये रिट होती है आपके ऑप्शन राइट आपके ए, आपके हेबियस कॉर्पस।
ठीक है, हेरियस कॉबरस मतलब कह सकते हैं किसी व्यक्ति का अगर अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी रिट होती है वो आपकी हैबियस कॉर्पस होती है। और किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाने की 24 घंटे के अंदर जो कि इसमें से यातायात का समय छोड़कर निकटतम न्यायाधीश के पास ले जाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोरेटर का कार्य है, कार्बोरेटर, और आपका कार्बोरेटर जो होता है वो आपके पेट्रोल इंजन में होता है जो कि कह सकते हैं कि हवा को मिश्रित करके एक ठंडी भाप देता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा आपसे वल्कनीकरण है, वल्कनीकरण है तो वल्कनीकरण है क्या, ये आपकी है क्या, तो आपको ऑप्शन राइट आपका डी कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त करने की विधि था। जो रबड़ होती है तो रबड़ को गर्म करते हैं, ठीक है, फिर गर्म करने के बाद उसमें सल्फर मिलाते हैं जिससे वो मजबूत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो आपका होता है ऑप्शन राइट आपका ए कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना ये आपका इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन्फ्लुएंजा होते हैं, तो इन्फ्लुएंजा जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो क्रमशः आपके जीवाणु एवं विषाणु द्वारा होते हैं इन्फ्लुएंजा, ठीक है। आपका ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है वो विषाणु के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, आपके विषाणु के कारण होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, विषाणु, तो इसका ऑप्शन राइट आपको सॉरी यहाँ पर हो जाएगा बी, विषाणु द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा, विषाणु के द्वारा होता है, यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस आपका जो विषाणु वही होता है, और इस रोग से आपके गलशोध, छींके, बेचैनी आदि आपके आती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार जो है वो आपका कौन सा है, यहाँ पर चार ऑप्शन है, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है, और प्लाज्मा रक्त का आजीवित तरल भाग होता है, रक्त का देखा जाए तो आपका 55 से 60% आपका प्लाज्मा होता है, वहीं पर प्लाज्मा का 90% आपका क्या होता है, जल होता है, ठीक है, और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहे आपसे नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो नींबू और संतरे में जो आपका अम्ल होता है वो आपका क्या होता है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर कह सकते हैं कि साइट्रिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सी नंबर, साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा आपसे यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित रहता है, कहाँ संचित रहता है, तो आपका जो कह सकते हैं जो संचित रहता है आपके पित्ताशय में संचित होता है, कहाँ पर होता है, पित्ताशय में, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। लेकिन यकृत से जो आपका कह सकते हैं पित्तरस निकलता है अर्थात स्रावित होता है यकृत से, लेकिन संचित होता है आपके पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट कह रहा आपसे जीन परिवर्तन किसमें होता है, जीन परिवर्तन किसमें होता है, तो जीन परिवर्तन जो आपका होता है वो आपके डीएनए में होता है, कहाँ पर होता है, डीएनए में होता है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा डीएनए, ठीक है ना। कह सकते हैं कि डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है और डीएनए की जो इकाई होती है वो आपकी जीन होती है। या नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, कह रहे आपसे वायुमंडलीय दाब की नाप किससे की जाती है, वायुमंडलीय दाब की जो माप की जाती है वो आपकी की जाती है आपके बैरोमीटर से, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा बैरोमीटर से, ठीक है ना। और जो वायुमंडलीय दाब होता है वो आपका 76 mm होता है और वायुमंडलीय दाब की जो इकाई होती है वो बार होती है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर एल्टीमीटर, तो एल्टीमीटर के द्वारा उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई को माप लेते हैं, यहाँ पर अल्टा होता है, ठीक है, अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, कह रहा आपसे यहाँ पर कि भूगोल में शब्द जो प्रेरी का अर्थ क्या है, भूगोल में एक शब्द होता है प्रेरी, तो प्रेरी है क्या, तो प्रेरी जो आपका है ये कह सकते हैं कि आपके उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं, आपके प्रेरी बोलते हैं, ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि कौन सा देश गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश है, गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है, तो आप सबको पता है कि जो आपका चीन है वो आपका हमेशा अग्रणी रहता है,
तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, चीन। ठीक है ना, चीन जो होता है वो कोयला लोहा उत्पादन में भी आपका प्रथम स्थान रखता है। चीन रेशम की जन्मभूमि है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश भी आपका चीन है, और चीन विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला भी देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नील नदी आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है, जो कि कह सकते हैं आपके लगभग 6690 किलोमीटर यात्रा कर भूमध्य सागर में गिरती है। और यहाँ पर जो अमेजन नदी है, इससे क्वेश्चन क्या होता है, तो अमेजन नदी सर्वाधिक चौड़ी नदी है और सबसे अधिक जल राशि लेकर आपकी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे कि द्विसदनी विधायिका वाले राज्य में उच्च सदन को कहा जाता है, अर्थात जो आपके द्विसदनी राज्य हैं, पहले आपके 7 राज्य हुआ करते थे, लेकिन उड़ीसा वर्तमान में हाल ही में शामिल किया गया है, इससे आपके द्विसदनी की संख्या आपकी 8 हो गई है। तो यहाँ पर जो उच्च सदन होता है द्विसदनी में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विसदनी विधायिका वाले राज्य में उच्च सदन जो होता है उसे विधान परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं, जो कि ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 20 है हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि विधान परिषद किसी धन विधेयक के क्रियान्वयन को अधिकतम कितनी अवधि तक रोक सकता है, तो विधान परिषद जो होता है किसी धन विधेयक की क्रिया को कितने अवधि तक रोक सकता है, तो ये जो आपका रोक सकता है, कह सकते हैं कि अधिकतम 14 दिन तक रोक सकता है। कितनी, 14 दिन तक सिर्फ रोक सकता है, इसके बाद आपका जो विधेयक होगा वो आपका ऑटोमेटिक पास हो जाएगा आपके विधानसभा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो शब्द फ्यूरर जो हुआ है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आपका यहाँ पर फ्यूरर जो होता है वो आपका प्रयोग होता है वो आपकी हिटलर के हुआ है। ठीक है, किसके लिए, हिटलर के लिए हुआ है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही जाएगा। फ्यूरर का अर्थ आपका कह सकते हैं कि सर्वमान्य नेता, एकमात्र नेता होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो हुआ है वो हिटलर के लिए हुआ है। हिटलर की बात आई है तो हिटलर क्या थे, तो हिटलर आपके 1933 में राष्ट्रपति पद को कह सकते हैं बलपूर्वक प्राप्त किया था। ठीक है, नाजी पार्टी के संबंध थे आपका हिटलर से थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मुख्यतः हिटलर को दोषी माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहे आपसे लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, लक्षद्वीप समूह जो आपका है वो आपके अरब सागर में है। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, आपके अरब सागर में है। अगर बात करें कि लक्षद्वीप जो आपका है वो केंद्र शासित प्रदेश में आता है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, लक्षद्वीप आपका जो बना है वो आपके प्रवाल भित्ति से निर्मित आपके द्वीपों से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है, तीन के जो आपके लेखक हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे जॉन मेनार्ड कीन्स द जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन मेनार्ड जो कि ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपके लेखक कौन है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे रुपए के अवमूल्यन का संक्षिप्त लक्ष्य क्या है, रुपए के अवमूल्यन का संक्षिप्त लक्ष्य क्या है, तो इसका जो लक्ष्य होता है कह सकते हैं निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कह सकते हैं कि यहाँ पर आयात को कम करना होता है, तो इस प्रकार से निर्यात को बढ़ाना देना है, तो ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है, मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया है वो आपका किसमें किया गया है, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना जो आपको यहाँ पर दिया है 35 नंबर में कि रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है, तो निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय प्राप्ति करना, बढ़ते आयात को रोकना, इनमें से सभी आपका डी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है, मौलिक अधिकार, और जो मौलिक अधिकार आपके हैं वो संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में किया गया है, तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा बी, आपके संविधान आपके 3 में है। तो संविधान में जो अनुच्छेद 12 से लेके आपके 35 तक मौलिक अधिकार आपके संबंधित हैं। अगर बात करें तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार आप जो भारत में वो आपके अमेरिका से लिए गए हैं, और मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, अब केवल ये आपका कानूनी अधिकार रह गया है, और वर्तमान में अगर बात करें तो 6 आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। कह रहे आपसे ध्वनि का
जो वेग होता है सर्वाधिक होता है किसमें? तो ध्वनि का वेग जो सर्वाधिक होता है वो आपका ठोस में होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठोस में होता है, ठीक है ना। और ध्वनि जो होती है वो निर्वात में गमन नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो आपकी अंदर तरंगे होती हैं। ध्वनि का वेग होता है वायु में तो 332 मीटर प्रति आप कह सकते हैं सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है मदर टेरेसा कहाँ की महिला थी? तो मदर टेरेसा जो थी वो आपकी कहाँ की महिला थी? तो ये आपकी थी अल्बानिया निवासी थी। कहाँ की थी? आपकी अल्बानिया निवासी। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगर बात आई है कि आपकी मदर टेरेसा से, तो आपके 1950 ईस्वी में चैरिटी ऑफ मिशनरी की स्थापना भी किया था इन्होंने। साथ में 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। 1980 में भारत सरकार ने भारत रत्न दिया था, ठीक है ना। कई पॉइंट आपके हैं जो कि एक आयरिश महिला थी। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, अल्बानिया से। नेक्स्ट कर आपसे कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला जो आपके 1911 में पहुँचा था, ठीक है, वो आपका कौन था? तो प्रथम व्यक्ति आपके थे यहाँ पर आर एम एंडरसन, ठीक है। 1911 में आर एम एंडरसन थे, जो कि आपके ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे नीली क्रांति या ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है? ये जो आपका संबंधित है आपके ऑप्शन राइट मछली उत्पादन से, ठीक है, मछली उत्पादन से। ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, मछली उत्पादन, ठीक है ना। आपने यहाँ पर जो पढ़ा होगा पीसी कल्चर, तो पीसी कल्चर के अंतर्गत आपका मछली का अध्ययन होता है। श्वेत क्रांति का संबंध आपका दूध उत्पादन से होता है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से होता है। कृष्ण क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। और जो अमृत क्रांति है वो आपका नदी जोड़ो परियोजना से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। कह रहा आपसे कि अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किसके पास कराना होता है? जो आपके अनुसूचित बैंक होते हैं उनको जो पंजीकरण कराना होता है वो किसके पास कराते हैं? तो ये कराते हैं आपके भारतीय रिजर्व बैंक के पास कराना होता है। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक के पास कराना होता है, ठीक है। और अनुसूचित बैंक वह बैंक है जिसका उल्लेख RBI को दूसरी अनुसूची में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि आपका ऑप्शन जो क्वेश्चन आपका है कि असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? असंगठित क्षेत्र के लिए जो डाटा होता है कौन सा संगठन एकत्र करता है? ये एकत्र करता है आपका NSSO, ठीक है। NSSO असंगठित क्षेत्र के लिए डाटा एकत्र करता है। वहीं पर बात करें कि CSO क्या है, तो CSO राष्ट्रीय आय का आकलन करती है और भारत में 93 रोजगार असंगठित क्षेत्र द्वारा आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार थे आपके BN राव थे, ठीक है, BN राव थे। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। संविधान सभा की अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगर बात करें संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो आपके HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो पहला अध्यक्ष आपके थे GV मौलंकर। कौन थे आपके? GV मौलंकर थे। क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है आपके। GV मौलंकर जो कि एक प्रथम स्पीकर थे जिन पर अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। और भारत की प्रथम स्पीकर जो आपको बने वो आपके विट्ठल लाल पटेल भी थे, ठीक है। तो आपके यहाँ पर कह सकते हैं भारत की प्रथम, यहाँ पर जीवी मौलंकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के थे, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होती है उनकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो ये जो की जाती है आपके सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? महासभा के द्वारा आपकी की जाती है, वो भी सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर की जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कि कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है, थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, कह रहा आपसे कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो आपके 1930 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1930 को। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से आपका प्रस्थान किया था
और वहीं पर एक क्वेश्चन बनता है कि नेताजी ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस मार्च और आपके सुमेलिन के मिलान से रोम मार्च में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं 47 नंबर कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं आपके कितने हैं, आपके 11 हैं। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं जो कि 48 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम कितनी बार बुलाना जरूरी होता है, जो कि आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा है। 49 नंबर आपसे कह रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय। और ये जो आपका आया था, कह सकते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय वुड्स डिस्पैच शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व आया था, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा डी, वुड का डिस्पैच आपके इसके अंतर्गत आपका आया था अस्तित्व में, ठीक है। ये आपका है क्या, तो वुड डिस्पैच के अधीन 1857 में विश्वविद्यालय एक्ट के अधीन कलकत्ता मद्रास एवं बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे। और वुड डिस्पैच को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और वुड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया था। कैबिनेट मिशन आपका जो भारत में आया था वो आपका 1946 में आया था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे वो आपके पैथिक लॉरेंस थे। इनके दो अन्य और भी सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिस्प थे और आपके एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है ना। इस प्रकार से 50 प्रश्नों को आप टेस्ट लगाया है। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न ने दिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आशा करेंगे आप यहाँ पर दोनों ही प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप लोग बेल आइकन जरूर दबाइएगा, तभी आपको हमारा वीडियो मिल सकेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।